कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, अपने अपने हिसाब से क्या है, लोग धर्म के ठेकेदारों ने लोगों को बांट रखा है, मगर उस ईश्वर के लिए तो सब एक है ना, क्योंकि सब में एक ही ज्योति है। तो सब मनुष्य जाति दोनों बना, एक जाति बनाई ईश्वर ने मनुष्य। अब मनुष्य में जब उसको देखा कि ये अकेला है, बोर हो रहा है, उसके लिए उसी की उसके शरीर से है ना हड्डी, उसने बोला भी, मनुष्य ने बोला हड्डी से हड्डी निकली है, मांस से मांस निकला है। और जब वो ऐसी गहरी नींद में था, ईश्वर ने उसके लिए स्त्री का निर्माण किया, तो जब उसने उसको देखा तो एकदम अपने हड्डी और अपने मांस को पहचान गया कि ये मेरी स्त्री है, अर्धांगिनी है ना। इसीलिए पुरुष और स्त्री कभी पूरी नहीं है, अधूरे हैं, अधूरा माना जाता पूर कब होता है। इसीलिए परमेश्वर ने बोला जब शादी ब्याह जोड़े क्या बोलते हैं स्वर्ग में बनाए जाते हैं ना, जोड़े बोलते हैं ना, स्वर्ग से बनाए जाते हैं ना, तो ऐसे भी जब और जो जोड़ा नहीं बनाता, जो अपना निगुण करता शादी न करना भी जो है परमेश्वर की इच्छाओं का है क्या है विरोध है, परमेश्वर की आज्ञाओं का विरोध है, और वो जो है दंड के भागीदार भी है ना, है ना। इसलिए शादी करना भी जरूरी है ना, क्योंकि परमेश्वर ने, आप पूर्ण कब होगे, नर नारी पूर्ण कब होते हैं, जब एक बदन होता है ना, दोनों एक बदन होते हैं ना, एक बदन होते हैं, एक ज्योति है ना, अधूरा अंग है स्त्री भी और पुरुष भी ना। और ऐसे जब जो पूरे होते हैं तो क्या होते हैं, एक अंग होता है ना, तो पूर्ण होता है ना, तो परमेश्वर की वो आज्ञाओं का पालन करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, अपना जीवन आनंद में करते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से लिपटे चिपटे भी रहते हैं ना, क्योंकि प्यार है। और उस प्यार में भी किसको, ईश्वर को पुकारते हैं कि पिता ये हमारा जीवन है, ऐसे खुशहाली है ना। शादी होती है तो बोलते हैं ना तू दो फूलो ना हो ऐसे बोलते हैं ना, तो हमें क्या वो जरूर भी जरूरी है ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया ना, प्रेम प्रकट करना और उस आनंद को लेने के लिए कि सचमुच जो क्या है ऐसे ना, वो गलत नहीं है, गलत तो तब है जब हम है ना, मगर ईश्वर के साक्षात मान के, अब शादियाँ ब्याह ईश्वर को साक्षात मान के तो होती है ना, है ना, तो इसमें नहीं है। तो जो शादी का भी मतलब यहीं से है कि जो स्वीकार करके करते हैं ना आपस में है ना, और ईश्वर को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, तो पिता कि हमारा नया जीवन हो रहा है ना, अब हमारी इस घर की रिश्ते है, और हम दो अलग अलग चीज़ थी, आज एक बदन हो रहे हैं है ना, एक बदन ये हो रहे, तो इसमें अपनी क्या, इसमें भी हमें हमारा आगे बीज का मतलब होता है मनुष्य जन्म, मनुष्य जब पति पत्नी मिलते थे उनसे भी क्या होता, वंश बरगत होती है ना, वंश में भी बरगत तो ईश्वर के आगे ना वो करते थे, इसलिए वंश ईश्वर ने मनुष्य बनाया, मनुष्य में स्त्री बनी, स्त्री से है ना, स्त्री और पुरुष को बन के आपस में परमेश्वर ईश्वर ने उनको क्या वरदान दिया कि तुम जाओ और धरती पे फैल जाओ ना, मनुष्य रूपी बीज ना। और उन्होंने क्या, उन्होंने वो अपना नित्य कर्म किया, बच्चे पैदा हुए, कई चीज़ें हुई, क्या है धीरे धीरे आज क्या सिस्टम इतना डेवलप हो चुका है ना, तो ये है परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान से। तो ऐसे भी जब और जो जोड़ा नहीं बनाता, जो अपना निगुण करता शादी न करना भी जो है परमेश्वर की इच्छाओं का है क्या है विरोध है, परमेश्वर की आज्ञाओं का विरोध है, और वो जो है दंड के भागीदार भी है ना। कब हो गए नर नारी एक बदन होते हैं, एक ज्योति है ना, अधूरा अंग है स्त्री भी है पुरुष भी ना। और ऐसे जब जो पूरे होते हैं तो क्या होते हैं, एक अंग होता है ना, तो पूर्ण होता है, अपना जीवन आनंद में करते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से लिपटे चिपटे भी रहते हैं ना, क्योंकि प्यार है। और उस प्यार में भी किसको, ईश्वर को पुकारते हैं कि पिता ये हमारा लो नाओ ने ऐसे बोलते हैं ना, तो हमें क्या वो जरूर भी जरूर कट करना उस आनंद को लेने के लिए कि सचमुच जो क्या है ऐसे ना, वो गलत नहीं है, गलत तो तब है जब हम है ना, मगर ईश्वर के साक्षात मान के, अब शादियाँ ब्याह ईश्वर को शादी का भी मतलब यहीं से है कि जो स्वीकार करके करते हैं आपस में है ना, और ईश्वर को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, तो पिता कि हमारा नया जीवन हो रहा है ना, अब हमारी इस घर है ना, एक बता नहीं हो रहा, तो इसमें अपनी क्या, इसमें भी हमें हमारा आगे बीज का मतलब होता है मनुष्य जन्म ना, मनुष्य जब पति पत्नी मिलते थे उनसे भी क्या होता, वंश बरगत होती है ना, वंश में भी बरगत तो ईश्वर के आगे ना वो करते थे, इसलिए वंश ईश्वर ने
आपस में परमेश्वर ईश्वर ने उनको क्या वरदान दिया कि तुम जाओ और धरती पे फैल जाओ मनुष्य रूपी बीज ना। और उन्होंने क्या उन्होंने वो अपना नित्य कर्म किया, बच्चे पैदा हुए, कई चीज़ें हुई, क्या है धीरे धीरे आज क्या सिस्टम इतना डेवलप हो चुका है ना। तो ये है परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान एक विश्वास की सुरक्षा। जो परमात्मा के साथ जीता है और परमात्मा के विश्वास करता है तो फिर क्या है परमात्मा का जैसे हो जाता है ना, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे जैसे तुम आप जिसकी संगत करोगे वही रंग आप परमात्मा की संगत करोगे आप परमात्मा करते हैं लोग तो विश्वासियों का क्या हिसाब होता है ना। जो विश्वास करते हैं तो ईश्वर की ओर से क्या क्या उनको मिलता है। जो परम प्रधान की शरण में वास करता है, परम प्रधान मतलब जो धरती और आकाश का मालिक है, जो परम प्रधान की शरण में वास करता है वो सर्वशक्तिमान की छाँव में ठिकाना पाएगा। सर्वशक्तिमान मतलब जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, उनके बाद भी एक पिता है। जानते होंगे कि पृथ्वी पर आकाश का राजा कौन है ना, वही जो जीवित जो ईश्वर का है ना प्रिय पुत्र है ना। ईश्वर ने ये पाठ जो है धरती और आकाश हमारे गुरु जिसने जिन्होंने को हमने विश्वास किया और माना है ना, और विश्वास भी करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद से उनके नाम से उनके पिताजी का प्रतिष्ठा करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, धन्यवाद उस धर्म की धरती भी हम बोलते हैं ना। तो वो है ना, तो जो परम प्रधान की शरण में वास करता है वो सर्वशक्तिमान में कहूँगा वह मेरा शरण स्थान और मेरा दृढ़ गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, जिस पर मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाता है। वह अपने पंखों से मुझे ठांप लेगा और उसके पैर में शरण पाता हूँ, उसकी सच्चाई की ढाल और झिलमिल हैं। जो परम प्रधान की शरण में वास करता है और सर्वशक्तिमान की छाँव में ठिकाना पाएगा। मैं परमेश्वर के विषय में कहूँगा वह मेरा शरण स्थान और मेरा दृढ़ गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ, क्योंकि वही मुझे बहेलियों के जाल से, दुख तकलीफों से और हर एक बीमारी जो भी परमेश्वर पिता हो महामारी से बचाता है, उस डिप्रेशन उस चिंता से बचाता है। वह अपने पंखों से तुझे ठांप लेगा, वह अपने पंखों से मुझे ठांप लेगा और उसकी परों तले तू शरण लेगा, उसकी सच्चाई ढाल और झिलमिल है। और न दिन के उड़ते हुए तीर मनुष्य विश्राम में जाते तो उसके स्वप्न दर्शन आते। कई लोग ऐसे भी देखते, गलत सलत चीज़ों को भी देखते हैं, डरते हैं, है ना, सोना में घबराते हैं, अकेले रहने में घबराते हैं, क्यों, कोई गलत चीज़ उनको परेशान करती, उन सब को जो है ईश्वर जो है दूर करेगा। और दिन का उड़ता हुआ तीर देखा होगा, जब दिन में धूप लगती है ऐसा क्या सुनसान होता, अब गर्मियाँ में देखो कैसे होता है ना, ऐसा दिन लगते हैं ना, तो वो उसके जलते हुए तीर है। जब आदमी सोचता है मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ ना, कोई भी रास्ता मार्ग नहीं देखता, अपने आप ही मतलब उसका मन व्याकुल सा होता है। तो इस समय पे ईश्वर कह रहा तू न रात के आतंक से और न दिन के उड़ते हुए तीर से भयभीत होगा, न उस महामारी से जो अंधकार में फैलती है ना, वो महामारी है जो विनाश है, जो दोपहर में उजाड़ता है, तेरे निकट हजार गिरेंगे, तेरे दाहिने हाथ 10,000 भी गिरेंगे वह तुझ तक न पहुंच पाएंगे। जब विश्वास करते हैं ना, कोई भी ऐसी है ना, तो जो ईश्वर पे विश्वास करता है, अपने परमेश्वर पे विश्वास करता है, अपने परमात्मा पे, अपने भगवान पे विश्वास करता है, उस निराकार परम ज्योति पे विश्वास करता है, प्राण उस शक्ति में, उस शक्ति के हमारे प्राण चल रहे ना, क्योंकि उस शक्ति प्राण का मतलब होता है इनर्जी है ना, इनर्जी है, उसी इनर्जी वही इनर्जी तो हमारे प्राण। ऐसा होता है कि जब इंसान का ये यात्रा है ना जीवन, ये पूरी होती है और शरीर मिट्टी में मिल जाता है, और वही तो है ज्योति है ना, जो हमारे अंदर वास करती है। वो ज्योति कहाँ जाती है, ज्योति में जाती है, तो डेट्स ऑल। और जब ज्योति को पहचान
रास्ता, इसको बोलते हैं मुक्ति। आज अब ज्योति को अपना रास्ता ही नहीं मिला, वो जाएगी कहाँ, अंधेरे में भटकती रहेगी, तब क्या है, गलत चीज है ना, गलत चीज बनेगी ना कि। तो 10,000 गिरेंगे दाहिने, 10,000 गिरेंगे पर बहुत उस तक न पहुँचेगा, तू तो केवल अपनी आंखों से निहारेगा, तू अपनी आंखों से उसे निहारता रहेगा है ना, पर तेरा विश्वास परमेश्वर पे बना रहेगा, ईश्वर पे विश्वास बना, वो ज्योति निकार उस परम शक्ति पे बना रहेगा, और दुष्टों का अंत तू अपनी आंखों से देखेगा, क्योंकि तूने तूने जो है परमेश्वर पिता उस सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर पे विश्वास किया, उस ज्योति पे जो आपको बल देती है, ज्ञान देती है, बुद्धि देती है, ज्ञान समझ देती है, उन्नति तरक्की शरण स्थान है, वो तुम्हारा शरण स्थान है, अर्थात परम प्रधान को अपना निवास स्थान बनाया है, उस परम प्रधान को आपने अपना निवास स्थान बताया, इसलिए न कोई विपत्ति तुझ पर आएगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा, क्योंकि वह अपने दूत का मतलब होता है, अब हम कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, अपने अपने हिसाब से क्या है, लोग धर्म के ठेकेदारों ने लोगों को बांट रखा है, मगर उस ईश्वर के लिए तो सब एक है ना, क्योंकि सब में एक ही ज्योति है। अब मनुष्य में जब उसको शरीर से है ना हड्डी, उसने बोला भी, मनुष्य ने बोला हड्डी से हड्डी निकली है, मांस से मांस निकला है, और जब वो ऐसी गहरी नींद में था, ईश्वर ने उसके लिए स्त्री का निर्माण किया, तो जब अपने मांस को पहचान गया कि ये मेरी स्त्री है ना, अर्धांगिनी है ना, इसीलिए पुरुष और स्त्री कभी पूरी नहीं है, अधूरे है ना, अधूरा माना जाता, पूर्ण कब होता है, इसीलिए परमेश्वर ने बोला जब शादी ब्याह जोड़े क्या बोलते हैं स्वर्ग में बनाए जाते हैं ना, जोड़े बोलते हैं ना, स्वर्ग से बनाए जाते हैं ना, तो ऐसे भी जब, और जो जोड़ा नहीं बनाता, जो अपना निगुण क्या है, विरोध है, परमेश्वर की आज्ञाओं का विरोध है, और वो जो है डंडे के भागे, आप पूर्ण कब होगे, नर नारी पूर्ण कब होती है, जब एक बदन होता है ना, दोनों एक बदन होते हैं ना, एक बदन होते हैं, एक ज्योति है ना, अधूरा अंग है स्त्री भी है पुरुष भी ना, और ऐसे जब जो पूरे होते हैं तो क्या होते हैं, एक अंग होता है ना, तो पूर्ण होता है ना, तो परमेश्वर की वो आज्ञाओं का पालन करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, अपना जीवन आनंद में करते हैं, हजब और उस प्यार में भी किसको, ईश्वर को पुकारते हैं कि पिता ये हमारा जीवन है, ऐसे खुशहाली है ना, शादी होती है तो बोलते हैं ना, तू दो फूलो नाओ है, ऐसे बोलते हैं ना, तो हमें क्या वो जूर भी जरूरी है ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया ना, प्रेम प्रकट करना और उस आनंद को लेने के लिए, कि सचमुच जो क्या है ऐसे ना, वो गलत नहीं है, गलत तो तब है जब हम है ना, मगर ईश्वर के साक्षात मान के, अब शादियाँ ब्याह ईश्वर को साक्षात मान के, तो शादी का भी मतलब इसे है कि जो स्वीकार करके करते हैं आपस में ना, और ईश्वर को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, तो पिता कि हमारा नया जीवन हो रहा है ना, अब हमारी इस घर की रिश्ते है, और हम दो अलग अलग चीज़ थी, आज एक बदन हो रहे हैं ना, एक बदन ये हो रहा है, तो इसमें अपनी क्या, इसमें भी हमें हमारा आगे बीज पति पत्नी मिलते थे, उनसे भी क्या होता है, वंश बरगत होती है ना, वंश में भी बरगत, तो ईश्वर के आगे ना वो करते थे, इसलिए वंश ईश्वर ने मनुष्य बनाया, मनुष्य में स्त्री बनी, स्त्री से है ना, स्त्री उनको क्या वरदान दिया कि तुम जाओ धरती पे फैल जाओ ना, मनुष्य रूपी बीज ना, और उन्होंने क्या, उन्होंने वो अपना नित्य कर्म किया, बच्चे पैदा हुए, कई चीज़ें हुई, क्या है धीरे धीरे आज क्या सिस्टम इतना डेवलप हो चुका है ना, तो ये है परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान समझ का दाता भी कौन है, ईश्वर है, तो हम जब उसको विश्वास करते हैं, हर जगह से हम अपने को बलवंत और फलवंत पाते हैं, क्योंकि हम किसके हाथ के नीचे है, उसके बलवंत और फलवंत के हाथ के नीचे है ना, जो सर्वशक्तिमान है ना, हम जब विश्वास करते हैं तो ऐसी चीज़ें हमें जो है हमारे बुद्धि ज्ञान की समझ है ना, जब आप परमेश्वर को ऐसे चलते हो तो संकट के समय परमेश्वर जो है तुम्हारी रक्षा करता है, संकट के समय में मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसे ज्ञान भी बढ़ाऊंगा, विश्वास भी परमेश्वर देता है ना, जब वो परमेश्वर को जो पुकारते हैं, और हर एक की यही आदत है
है ना, ये हमें नेचुरल गुण है। जैसे एक पापी गुण है ना कि छोटे बच्चे को कोई नहीं सिखाता झूठ बोलना पाप करना, मगर वो करता है ना। ऐसे हमारे वो अंदर भी एक छोटे बच्चे के अंदर भी ये है कि वो अपने बाप को तो पुकारेगा पुकारेगा ना। बाप का मतलब होता है चोरी कर रहा हो कुछ भी कर रहा हो भी क्या बोलता है मेरे पिता मुझे बचा है ना। तो जब ये और जब पर बचाने को तो पिता बचा देता, पर पिता का सिस्टम भी तो फॉलो करना होता है। पिता थोड़ी चाहता है मेरा बच्चे गलत काम करें। तो इसके लिए हमें क्या कुछ शिक्षाएं होती हैं सीखनी होती है ना। और संकट के समय मैं उसके साथ रहूँगा, दीर्घ आयु से तृप्त करूँगा और उस और अपने उद्धार का दर्शन कराऊँगा। कितना महान है दयाकारी क्षमाकारी परमेश्वर है ना। देखो मैं उसे दीर्घ आयु से तृप्त करूँगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक्सीडेंट हो गया कुछ नहीं हो सकता है ना। क्यों विश्वास कहता है ना, परमेश्वर कहता है कि नियत चलता है तो परमेश्वर भी उसकी रक्षा करता है। और अपने उद्धार का दर्शन कराऊंगा, उद्धार जानते हैं ना, उद्धार का दर्शन कराता है ईश्वर ना, जिसके लिए हमारा जीवन हुआ है। हम बिछड़े हुए लोग हैं अपने बाप से, हर अपने बाप से बिछड़े हुए लोग जब हम है ना परमेश्वर की ईश्वर की आराधना विनती प्रार्थना करते हैं, वचन स्वीकार करते हैं, हम उस अपने उसे बिछड़े हुए बाप से मिलते हैं और सच संतान हो गया पुत्र हो गया और फिर हम परमेश्वर के शोल्डर भी कहलाते हैं, सिपाही भी कहलाते हैं ना। तो परमेश्वर के कार्यों में जो हाथ बटाते हैं वो आनंद ही आनंद पाते हैं। पिता तेरा धन्यवाद, बहुत सुंदर वचन है। जिन लोगों भाई बहनों ने सुना ग्रहण किया परमात्मा आशीष है उनकी रक्षा आप अपने परमेश्वर पिता करते हैं। परमेश्वर वचन वो स्वीकार परमेश्वर ईश्वर तो हर जगह बैठा हो ना, हर जगह ईश्वर तो ना, कहीं से भी फोन करके वचन स्वीकार करे और ईश्वर की आज्ञाओं में चले तो अपने जीवन को वो देखेंगे दिनों दिन सुकर शांति आनंद से भरता है। कोई डर नहीं, कोई भर नहीं कहीं भी, क्योंकि परमेश्वर ने जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उन उन भक्तों ने क्या किया है, गवाह बने ईश्वर के। क्या बोला उन्होंने, ऐसे ऐसे उन्होंने घोर अंधकार की गहराइयों में भी चलो तो तू मेरे साथ वहाँ भी है, मैं क्यों परमात्मा अथाह है उसको कोई नाप नहीं सकता है। स्वर्ग जिसका सिंहासन है पृथ्वी जिसके उसको क्या कोई मंदिर मस्जिद में ढूंढेगा, वो तो खुदा है जिसने उसे प्यार से पुकारा वो तो भाव का भूखा है, जो भाव से उसे पुकारता है वो तो उसके हृदय में वास करता है। सवाल नहीं कोई कर दे, सवाल नहीं कोई कोई उसे टच कर दे, उसकी अनहोनी कर दे है ना, नुकसान पहुंचाने के जो उसके कोई उसको उसके बेटे को नुकसान करने की सोचेगा पहले खुद खड्डे में वो ही गिरेगा जो नुकसान है ना। परमात्मा का लॉ तो बड़ा है, लॉ बहुत है ना। तो हम इस पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद, सभी को आशीष मिले और सचमुच सब वचन ग्रहण करें ना। ऐसा नहीं कि उत्साहित सुनने सुनाने तक नहीं रहना, हमने वचन स्वीकार भी करना और उस मान उस चीज़ को मान के चलना है तो अपने जीवन में देखोगे दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति उन्नति होनी शुरू हो जाएगी है ना। परमात्मा के भंडार में बोना शुरू करोगे अपनी जो भी तुम्हारी इच्छा या जैसा भी परमेश्वर आपके मन में डालता है तो क्या होता है, फिर भंडार में जब ईश्वर के जाता है तो क्या फलवंत और बलवंत होते। धर्म की धरती है, जब हम इस ज़मीन में एक दाना गेहूँ का डालते हैं तो कितने सौ दाने तो एक आ ही जाते हैं ना, है ना। तो बता उसकी धर्म की धरती में है ना, और तो कितना आएगा। और उसके सिस्टम से चलोगे जैसे उसने बोला है कि दस दस वर्ष है ना परमेश्वर, तो वो हर एक जगह आपकी रक्षा करेगा ना, तन में धन में मन में वर्ण में बुद्धि में ज्ञान में वास नौकरी में बरकत में हर जगह में जो है वो जो है ब्लेस करेगा ना। ऐसा खुदा है जिसने विश्वास किया है उसने वो आनंद प्राप्त किया है। तो धन्यवाद हो चुका है। मैं सुशील मोहन महायाजक के मुखार बिंद से परमेश्वर पिता बोलता है, पिता तेरा धन्यवाद हो चुका, हो चुका विनती प्रार्थना स्वीकार हो।